नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन लोग प्रीवियस ईयर के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि थोड़ा ट्रिकी हैं, याद करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो उसको अपन थोड़ा तोड़ मरोड़ के या अपने तरीके से देसी लैंग्वेज में याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा हार्ड एंड डक्टाइल है? हार्ड जो कि डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है, और डक्टाइल मतलब आपको पता है कि जिसे हम ताड़ में खींच सकते हैं, ठीक है? डक्टाइल मतलब ये होता है। तो देखिए, हार्ड रहेगा उसको खींचना बहुत मुश्किल होगा, तो मतलब कि यही सेंस दे रहा है कि कुछ अजीब सा है ना, मतलब कि हार्ड भी है और उसको खींच भी रहे हैं। हार्ड को अगर खींचेंगे तो खींचेगा नहीं, लेकिन ये ऐसा एलिमेंट है जो कि हार्ड भी है और इसको हम खींच भी सकते हैं, काफ़ी लंबा हम खींच भी सकते हैं। तो यानी कि कंट्राडिक्ट जैसा कुछ इसमें सेंस दे रहा है, या कंट्राडिक्ट मतलब कि एक दूसरे के प्रॉपर्टी को कंट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो कंट्राडिक्ट मतलब क्या होता है? ना, ना मतलब नहीं, यानी कि कंट्राडिक्ट मतलब कुछ नकारात्मक चीज़ इसमें दे रहा है कि हार्ड भी है और डक्टाइल भी है। हार्ड है तो डक्टाइल कैसे हो सकता है? तो यानी कि नाइक्रोम, इस तरह से हम याद करेंगे कि नाइक्रोम है वो सबसे हार्ड, और डक्टाइल की बात करें, ठीक है, यानी कि हार्ड होते हुए भी डक्टाइल है नाइक्रोम की बात करें तो, ठीक है? तो नाई यानी कि ना जैसा कुछ सेंस दे रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसमें ही कंट्राडिक्शन है कि हार्ड होते हुए भी डक्टाइल है, ठीक है? अगला देख लेते हैं, गोल्डन राइस किसका प्रमुख स्रोत है? कौन से विटामिन पाए जाते हैं गोल्डन राइस में? तो गोल्ड का क्या होता है, एक कैटेगरी का एलिमेंट है, यानी कि सबसे हाई क्वालिटी का आप कह सकते हैं, जिसको बेचने पे काफ़ी पैसा मिलता है। तो यानी कि एक कैटेगरी के ये एलिमेंट है, तो इस गोल्डन राइस में क्या होगा? विटामिन ए होगा। इस तरह से हम याद करेंगे कि गोल्डन जैसे ही वर्ड आ जाता है तो गोल्ड मतलब ए कैटेगरी का ही चीज़ होता है, ठीक है? इस तरह से अगला देख लेते हैं, कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करता है? जैसे 2018 या 2000 अभी 19 है, ठीक है, 2019 है, तो ये अपने आप को कब रिपीट करेगा? 2019 वाला कैलेंडर कितने वर्ष बाद अपने आप को रिपीट करेगा? तो देखिए, ये हालांकि रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप चीज़ें याद कर लेते हैं तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर लीप ईयर है, लीप ईयर है तो 28 साल बाद अपने आप को रिपीट करेगा, लीप ईयर +1 है तो 6 साल बाद, और लीप ईयर +2 है तो 11 साल बाद, और लीप ईयर +3 है तो 11 साल बाद। यानी कि ये दोनों आपको याद रखना है, 11 बरस वाला तो जनरली आपको याद ही रहता है कि कैलेंडर अपने आप को 11 बरस बाद रिपीट करता है। जैसे लीप ईयर +1 मतलब क्या हो गया, जैसे 2020 है, 2020 है तो ये क्या है, लीप ईयर है, ठीक है? तो लीप ईयर है तो ये जो कैलेंडर है 2020 वाला, वो कब अपने आप को रिपीट करेगा? इसमें 28 जोड़ देंगे, ठीक है, 28 जोड़ देंगे तो ये 48 में जाके रिपीट होगा। अगर हम बात करें 2021 की, 2021 का कैलेंडर, तो देखिए इसमें 2021 में क्या हो जाएगा, लीप ईयर +1 ईयर हो रहा है, ठीक है, लीप ईयर +1 हो रहा है, तो यानी कि 21 वाला कितने साल में रिपीट करेगा, 6 साल बाद, यानी कि ये 2027 में रिपीट करेगा। लीप ईयर +2 हो जाएगा, लीप ईयर +2 हो जाएगा तो कितने साल बाद रिपीट करेगा, 11 साल बाद, यानी कि 2022 वाला जो कैलेंडर होगा 11 साल बाद, यानी कि 23 में रिपीट करेगा, और 23 वाला भी आपके ये 11 साल बाद रिपीट होगा। अगर लेकिन 24 हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, यानी कि +4 यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि +4 हो जाएगा तो वो फिर से लीप ईयर में आ जाएगा, यानी कि 28 वर्ष के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा। तो यानी कि कैलेंडर वाला जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने वर्ष बाद दे दिया जाएगा, कि ये वाला 2018 वाला जो कैलेंडर है वो कितने वर्ष बाद रिपीट होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें तो आपको पता है कि 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है, लेकिन 11 वर्ष के बाद हमेशा रिपीट नहीं होता है, उसमें भी कंडीशन है कि लीप ईयर +2 रहेगा या लीप ईयर +3 रहेगा तभी 11 वर्ष के बाद, यानी कि लीप ईयर रहेगा तो 28। देखिए, लीप ईयर की बात करें तो यानी कि लीप ईयर क्या सेंस देता है कि 28 और 29 वाला जो अगस्त वाला महीना होता है, उसी के कारण ये लीप ईयर वाला होता है सिस्टम, कि 29 हो जाएगा तो मतलब कि वो लीप ईयर हो जाएगा इस तरह से, नहीं तो 28 वाला तो जनरली होता ही है, ठीक है? तो यानी कि 28 29 वाला के कारण ही जो अगस्त सॉरी जो फरवरी का 28 29 के कारण लीप ईयर में चेंजिंग होती है, कि कौन लीप ईयर होगा कि कौन लीप ईयर नहीं होगा, 28 होगा तो होगा कि नहीं होगा, 29 होगा तो होगा कि नहीं होगा, इसी कारण होती है। तो जनरली हम 28 का महीना मानते हैं फरवरी को, तो इस तरह से हम याद करें, लीप ईयर वाला रहता है वो 28 बस बाद एक दूसरे को अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है? उसके बाद अगर ईयर लीप ईयर +1 आ गया तो यहाँ पे
छह वर्ष के बाद, ग्यारह वाला तो याद ही नहीं था, इसको याद कैसे कराएंगे या छह कैसे याद करेंगे, आठ माइनस टू करेंगे, यहाँ पे जो अट्ठाईस है उसी में से हम आठ माइनस टू कर देंगे तो ये छह आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम याद कर लेंगे ये अट्ठाईस, छः और ग्यारह, ग्यारह वर्ष बाद, ठीक है। आशा करते हैं ये चीज़ें कैलेंडर वाला आपको समझ में आई होगी। IOC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए इसमें तकरीबन जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो सभी इसके मेंबर हैं, 54-55 जितने भी हैं इसके, यानी कि 50 से ऊपर ही हैं इसके, सभी जो इस्लामिक कंट्री हैं सभी इसके मेंबर हैं। इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय सऊदी अरबिया के जिद्दा में है, जिद्दा एक शहर है वहीं पे इसका मुख्यालय है। याद करने का तरीका देखिए, सऊदी अरबिया हर मुस्लिम जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मक्का है, मक्का में तो हर कोई जाना चाहेगा हज करने के लिए, ठीक है। तो देखिए जिद्दोजहद करना पड़ता है, सभी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो मक्का जाएँ हज यात्रा पे, ठीक है। तो जद्दोजहद तो करते ही हैं, और तो इस्लाम जितने भी इस्लामिक लोग हैं वो सभी मक्का जाना चाहते हैं। तो इसी तरह से याद कर सकते हैं कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, सऊदी अरबिया में। सऊदी अरबिया हर कोई जाने के लिए जद्दोजहद करते रहता है, ठीक है, कि कभी ना कभी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर वो हज यात्रा पर जाना चाहता है, ये हर मुस्लिम का एक ख्वाहिश होती है। अगला देख लेते हैं, पहला एंग्लो सिख वार जो कि 1845 में हुआ था वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो ये संधि हुई थी लाहौर की संधि 1846 में। देखिए युद्ध हुआ था 45 में लेकिन संधि हुई थी 46 में, ये दोनों में थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट करके याद रखेंगे। देखिए जो ये इंडिया था, ये शुरू का इंडिया इस तरह से पाकिस्तान होते हुए भी था, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर सिख लोग रहते थे, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग रहते थे, हालांकि पार्टीशन के बाद इंडिया में चले आए, लेकिन पाकिस्तान और ये जो पंजाब का जो प्रांत है, सिंध प्रांत तो पंजाब में भी फैला है, अभी भी फैला है। तो यहाँ पे ही मतलब कि संधि हुई होगी सिख के साथ, यहीं पे कहीं पे संधि हुई होगी, तो यहाँ पे लाहौर कराची यही सब शहर है, तो लाहौर की संधि के तहत ये पहला एंग्लो सिख वार समाप्त हुआ था, ठीक है। अगला देख लेते हैं, प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न मिला था, खान अब्दुल गफ्फार खान। हालांकि ये इंडियन नहीं थे लेकिन पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान में चले गए थे, तो इनको भारत रत्न मिला था कब, 87 में, ये भी पूछा जा सकता क्योंकि पहला विदेशी थे, ठीक है। और अगर दूसरे विदेशी की बात करें तो मंडेला साहब थे, 1990 में इनको मिला था। इससे एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अभी तक कितने राष्ट्रपति, इंडियन राष्ट्रपति को अभी तक भारत रत्न मिल चुके हैं, तो राष्ट्रपति, ठीक है, सर जैसा कुछ इम्फेसिस जा रहा है ना, राष्ट्र सर जैसा इम्फेसिस जा रहा है, तो यहाँ पे सिक्स आ जाएगा कि छह राष्ट्रपति को, सर यानी कि छह राष्ट्रपति को अभी तक भारत रत्न मिल चुका है, और महिलाओं की बात करें तो एक कम, क्योंकि राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है ना, तो इसमें भी आप समझ सकते हैं कि छह अगर है तो उससे नीचे ही महिलाएं होंगी, ठीक है। तो पांच महिलाओं को अभी तक भारत रत्न मिल चुका है भारत में, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इसी से एक प्रश्न बन जाता है, भारत रत्न से ही प्रश्न बन जाता है कि ये जो भारत रत्न था वो कब बंद हो गया था, तो 77 में बंद हो गया था, ये जो जनता पार्टी की सरकार आई थी तो सब चीज़ बंद कर दी थी, ठीक है। तो भारत रत्न बंद हो गया था लेकिन पुनः 80 में शुरू हो गया था मदर टेरेसा को देकर, ठीक है, मदर टेरेसा को पहली बार मिला था जब बंद हुआ था, उसके बाद 80 में मिला था, ठीक है। तो देखिए मतलब कि देखिए 77 में बंद हुआ था, 80 में मिलना चालू हुआ, तो किसी वुमेन को ही मिलेगा क्योंकि लेडीज फर्स्ट हमेशा होता है, और वैसे भी मदर आगे जुट गया तो मदर तो हमेशा ऊपर ही होता है, मतलब कि मदर का स्थान हमेशा ही ऊपर होता है, ठीक है। तो यानी कि शुरुआत मदर से ही होगा, तो 80 में शुरुआत हो गया था, ठीक है। जीरो से शुरुआत करते हैं, 0 1 2 3 इस तरह से शुरुआत करते हैं, तो 77 के बाद जीरो जिसमें आएगा, 80 में ही जीरो आता है, तो उसके बाद हम यहाँ पे याद करेंगे कि मदर टेरेसा को, या टेरेसा को ट या आठ जैसा कुछ सेंस दे रहा, तो 8 0 इस तरह से हम याद कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको याद होना चाहिए क्योंकि मदर टेरेसा वाला याद किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, क्योंकि ये शुरुआत थी जब बंद हुआ था, उसके बाद पहला मिला था, तो इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, मदर टेरेसा को कब मिला था। पूछा जाता है संबलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो
तो संबलपुर जो जगह है वो कहाँ पे है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो संबलपुर उड़ीसा में है। अब देखिए संबलपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो हैंडलूम टेक्सटाइल के लिए, ठीक है, हस्तकरघा जो वस्त्र बुनते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा में है, किस नदी पे है, ये महानदी के तट पे बसा हुआ है, ठीक है। तो ये वैसे भी आपको अगर संबलपुर उड़ीसा में पता है तो ऐसे भी तुक्का मारेंगे तो वहाँ पे महानदी बहती है, तो ये तो आपको पता ही चल जाता है। देखिए याद करने का तरीका कि संबलपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो हैंडलूम टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है। देखिए संबलपुर यानी कि स्वावलंबन, इस तरह से कुछ सेंस दे रहा ना, संभलना या स्वावलंबन बनना। तो स्वावलंबन भारतीय महिला कैसे बनेगी, जब कपड़े वगैरह बुनेगी, ठीक है, कपड़े वगैरह बुनेगी तो स्वावलंबन, स्वावलंबन मतलब जिनके जो अपना खुद अर्न कर सकते हैं, ठीक है, पैसे अर्न कर सकते हैं। तो स्वावलंबी कब बन सकते हैं, जब खुद हाथ से टेक्सटाइल वगैरह बुने, सूती वस्त्र बुने, ठीक है। तो इस तरह से हम याद करेंगे कि स्वावलंबनपुर नहीं, संबलपुर, सॉरी संबलपुर कहाँ पे है, उड़ीसा में है, किस नदी के तट पर है, महानदी के, किस लिए प्रसिद्ध है, हैंडलूम टेक्सटाइल के लिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं, फेट मनी किसको कहते हैं। फेट मनी मतलब क्या होता है कि जो करेंसी अभी चलता है 10, 20, 50, 100 के जितने भी के नोट चलते हैं उसी को फेट मनी कहते हैं। देखिए मनी के बहुत प्रकार होते हैं, जैसे गोल्ड मनी होता है, गोल्ड मनी मतलब कि आप गोल्ड देते हैं तो उसके एवज में आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल जाता है, उसको कहते हैं गोल्ड मनी। एक होता है क्या, मेटेलिक मनी, मेटेलिक मनी मतलब कि वही गोल्ड मनी जैसा, जैसे कि पीतल अगर किसी को दे देते हैं, कासा दे देते हैं। पहले क्या होता था, पहले ज़माने में पैसा नहीं चलता था, तो वो क्या करते थे कि सोने दे देते थे, वो दे देते थे, मतलब कि कासा दे देते थे, पीतल दे देते थे, उसके एवज में उनको अनाज या जो भी चीज़ खरीदना होता था वो मिल जाता था, तो उसको क्या कहते हैं, मेटेलिक मनी। लेकिन अब क्या है, मेटेलिक तो इतना हम मतलब पर्स में ले नहीं जा सकते हैं कि इतना किलो हमको सोना ले जाना पड़ेगा, इतना किलो तांबा ले जाना पड़ेगा हमको एक मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए, ऐसा तो नहीं होता है। तो वो कौन सी मनी हुई, फेट मनी हुई। ये इकोनॉमिक्स की प्रश्न है। और फेट मनी भी दो तरह के होते हैं, एक है गोल्ड स्टैंडर्ड, यहाँ पे देखिएगा मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है गोल्ड स्टैंडर्ड, और एक होता है पेपर स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब कि मनी का बैकअप होता है, मनी जैसे कि हमने 100 रुपया छापा तो 100 रुपया के एवज में कितना हमारे पास गोल्ड है, जितना गोल्ड रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम पैसे छापेंगे। लेकिन पेपर स्टैंडर्ड में क्या होता है कि इसमें गोल्ड को बैकअप के रूप में नहीं रखा जाता है, ठीक है। जो अभी का करेंसी है वो स्टैंडर्ड करेंसी, स्टैंडर्ड पेपर पे ही ये छपती है, वो स्टैंडर्ड पेपर के अनुसार छपती है, ठीक है। गोल्ड बैकअप होना ज़रूरी नहीं है अभी, ठीक है। तो फेट मनी कहने का मतलब क्या है कि जो अभी का करेंसी चल रही है मार्केट में वही होती है फेट मनी, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। जितने भी आज मैंने आपको एग्जांपल कराए, जितने भी क्वेश्चन कराए, जितने भी ट्रिक बताए, वो आपके दिमाग में चली गई होगी, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।